हेलो एवरीवन, आई एम रवि जैन। आज हम रिस्क इन फॉरेन एक्सचेंज में जो पार्ट टू है उसको देखेंगे। इसमें अभी तक हमने कुछ रिस्क देखी थी, जो थी एक रिस्क देखी थी सबसे इम्पोर्टेंट थी, उसको बोला था अपने एक्सचेंज रिस्क, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क, जो कि फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज रेट में फ्लक्चुएशन के कारण होती है। तो इसमें तीन टाइप के एक्सपोजर या रिस्क हमने देखी थी, ट्रांजेक्शन रिस्क, ट्रांसलेशन रिस्क और इकोनॉमिक रिस्क। ये हमने पार्ट वन में देखा था। उसमें एक बात हम और ऐड करना चाहेंगे, जो इकोनॉमिक एक्सपोजर है, इकोनॉमिक एक्सपोजर है कोई भी कंपनी का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी पर्सन का, वो उस इकोनॉमिक एक्सपोजर को ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे बेस भी कभी क्वेश्चन आ सकता है कि उसको ऑपरेटिंग एक्सपोजर भी बोला जाता है। ये हमने देख लिया था। आप इनके बारे में स्टडी पार्ट वन में आगे डिटेल में कर सकते हैं। इसके आगे हम देख रहे हैं सेटलमेंट रिस्क। सेटलमेंट रिस्क क्या होती है? इज द पॉसिबिलिटी दैट वन और मोर पार्टीज विल फेल टू डिलीवर ऑन द टर्म्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये जो रिस्क वाला जो चैप्टर है, इसमें आपको देखना है कि जो रिस्क हैं ये फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी एप्लीकेबल है, अदर डे टू डे बैंक ट्रांजेक्शन, आपके पर्सनल लेवल पे, ये फाइनेंशियल मार्केट की रिस्क को बता रही है। तो पहले हम इनका बेसिक मतलब समझ लेंगे। जो सेटलमेंट रिस्क है वो इसका मतलब है कि जैसे मान लो आपने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया किसी आइटम का, आपने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया और उस बंदे ने आपको डिलीवर नहीं किया, उन्होंने डिलीवरी नहीं दी, तो वो क्या हो गई? सेटलमेंट रिस्क हो गई कि जो जो सामने वाली पार्टी है विल फेल टू डिलीवर ऑन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने सामान सप्लाई, तो उसको सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं। और सेटलमेंट रिस्क को डिलीवरी रिस्क भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिलीवरी रिस्क भी। हमने ये टर्म ऐड किया ताकि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। और जो सेटलमेंट रिस्क है वो दो टाइप की होती है। एक होती है प्री सेटलमेंट रिस्क, उसको डिफॉल्ट रिस्क भी बोलते हैं, और काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। और दूसरी होती है सेटलमेंट रिस्क। यहाँ पर अगर इन जनरल आपके पास नॉर्मल अगर वर्ड आया सेटलमेंट रिस्क, उसका मतलब सेकेंड वाली बात है। सेटलमेंट रिस्क जो प्री सेटलमेंट रिस्क है उसका मतलब है कि भाई आपने फॉरेन एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में अब हम बात कर रहे हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपको वो पार्टी को आप उतने रुपए देंगे, वो आपको इतना डॉलर देगा, फॉरेन कोई भी पार्टी है, पर अगली वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, उस काउंटर पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, उसने उतने जो करेंसी वो आपको पेमेंट नहीं करी, तो उसको बोलते हैं प्री सेटलमेंट रिस्क। जो प्री सेटलमेंट रिस्क है उसको डिफॉल्ट रिस्क या काउंटर पार्टी रिस्क भी बोलते हैं। चाहे अगली वाली पार्टी बैंकरप्ट हो गई हो, क्लोजर हो गई हो, कोई सा भी रीजन है, बिफोर मेच्योरिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट वो होना था उससे पहले पहले की बात है, तो उसको बोलेंगे प्री सेटलमेंट रिस्क। मान लो आपने सामने वाली पार्टी से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट किया, उससे पहले ही मान लो एक कंपनी से आपने ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस किया, या आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो कंपनी पहले ही बंद हो गई, जो भी डेट थी उससे पहले उनको सामान सप्लाई करना था उससे पहले बंद हो गई, तो वो कहलाएगी प्री सेटलमेंट रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क अकाउंट। एक इसके अलावा जो सेटलमेंट रिस्क है, जो बहुत कॉमन टर्म यूज होगी आप देखेंगे उसका, उसका एक और नाम है हर्स्टेट रिस्क। हर्स्टेट रिस्क इसमें क्या है कि ये जो ये रिस्क सेटलमेंट रिस्क है, ये क्या होता है कि जैसे मान लो फॉरेन एक्सचेंज के रेस्पेक्ट में बहुत एप्लीकेबल है ये, कि आपने टाइम जोन का डिफरेंस होता है, आप एक करेंसी और दूसरी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में सेटलमेंट होता है, तो ड्यूरिंग द सेटलमेंट, कि मान लो जिस दिन ड्यूरिंग द सेटलमेंट टाइम जोन डिफरेंस के कारण, अगर टाइम जोन डिफरेंस के कारण अगर काउंटर पार्टी फेल होती है पेमेंट करने में, उसको बोलते हैं सेटलमेंट रिस्क, अगर ड्यूरिंग द सेटलमेंट। अब इसका जो एग्जाम्पल है, इसको हर स्टेट रिस्क भी क्यों बोला जाता है, उस एग्जाम्पल से आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसमें होता क्या है। इसमें सेटलमेंट रिस्क में इसका क्या है, एक एग्जाम्पल है इसको, कि क्या हुआ कि एक जर्मन बैंक था, उसका नाम था हर्स्टेट। वो 1974 में इसने क्या है कि इसने कोई डील की होगी, उसमें जो फॉरेन करेंसी से जो भी इसके पास रुपए आने थे यूरोप में वो सब आ गए, ठीक है, पर इसको यूएस डॉलर का पेमेंट करना बाकी था। पर उससे पहले ही क्या हुआ कि जर्मन के बैंकिंग रेगुलेटर ने ये बैंक बंद कर दिया, तो केवल टाइम डिफरेंस के कारण ऐसा हुआ। इसको जस्ट अगले दिन पेमेंट करना था, पर उससे पहले ही बैंक बंद हो गया, और इस टाइम डिफरेंस के कारण क्या हो गया, काउंटर पार्टीज को सभी जो जिनका पेमेंट था उनका बहुत सारा नुकसान हो गया। ये काफी बड़ा एग्जाम्पल था। तो इसके कारण ही बहुत जो बैंक ये टाइम जोन के डिफरेंस के कारण फॉरेन एक्सचेंज में एक बेसल कमिटी बनी, बेसल कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन्स, इसको बी
सीईबीएस भी बोला जाता है, बैंकिंग कमिटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन। इसमें क्या था, G10 कंट्रीज से रिप्रेजेंटेटिव लिए गए हैं, और ये इसमें 28 कंट्रीज है। अब नाउ 10 नहीं है इसमें, 28 कंट्रीज है। और ये क्या है कि स्विट्जरलैंड में बेसल में है, और जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट उसी के हेडक्वार्टर में है इसका भी। और इसने क्या किया है, एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया है, उसको बेसल नॉर्म्स बोलते हैं, ताकि आप बैंक अपनी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज कर सके, उसको रिड्यूस कर सके, उनको बैंक को रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो देखिए कि जो ये बेसल नॉर्म्स है उनका जनरेशन कहाँ से हुआ, उनका जनरेशन हुआ कि जो ये हॉस्टेड रिस्क है, सेटलमेंट रिस्क है, ये फॉरेन एक्सचेंज में बिल्कुल व्यापक है, फॉरेन एक्सचेंज में काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम जो उनका डिफरेंस होता है। तो ड्यूरिंग द सेटलमेंट अगर काउंटर पार्टी फेल हो जाती है तो उसको सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं, और पहले फेल होती है तो उसको प्री सेटलमेंट रिस्क बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रिस्क होती है लिक्विडिटी रिस्क। वेन ए पार्टी टू फॉरेन एक्सचेंज इज अनेबल टू मीट इट्स फंडिंग रिक्वायरमेंट, एंड मान लो आपके पास, आपको कोई पेमेंट करना हो और आपके पास पैसे ही नहीं है, उस टाइम आपको पैसे चाहिए, मान लो कि डॉलर में पेमेंट करना। ऐसा क्या होता है कि जनरली क्या होता है, जो भी पार्टी फॉरेक्स में डील करती रहती है, अगर उसके ऐसा हो कि उसके जो जो उसके असेट्स और लाइबिलिटीज है, उनके मेच्योरिटी का पैटर्न है वो अलग अलग है, तो क्या होगा कि हो सकता है कि उसके जो लाइबिलिटीज, जो उसको ज्यादा पेमेंट करना है, वो लाइबिलिटी जल्दी जल्दी पे हो रही है, उसको जो भी पैसे देने जल्दी जल्दी पे कर रहा है, और उसके पास जो पैसे आएंगे वो बाद में आ रहे हैं, मतलब उसको जो देने वो पहले देने पड़ रहे हैं, और उसके पास जो पैसे आएंगे वो बाद में आ रहे हैं। तो क्या होगा कि उसको मान लो किसी पार्टी को देना होगा तो उसके पास पैसे कम पड़ जाएंगे, और उसके पास पैसे कम होंगे तो उसको मार्केट से लेना पड़ेगा, और हो सकता है कि मार्केट में उसको रीजनेबल प्राइस में पैसे नहीं मिल पाए, ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे पैसे मिले तो उसको नुकसान हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क, कि मतलब जो दूसरे आप पैसे देना चाहते हो, ऐसा कोई फेल वेल नहीं हुए हो आप, बस आपको क्या हो रहा है कि आपके पास पैसे लिक्विड रूप में नहीं है, ताकि आपको, क्योंकि आपके असेट वो बाद में मेच्योर हो रहे हैं। तो इसका जो रीजन है, मिसमैच इन मैच्योरिटी पैटर्न्स ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज होती है, और मार्केट इस टाइप के हो, उस टाइम सिचुएशन ऐसी बन गई कि मार्केट में पैसा उठाना बहुत मुश्किल हो जाए, तो उसको बोलते हैं लिक्विडिटी रिस्क। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज में। उसके अलावा एक और नेक्स्ट रिस्क होती है कंट्री रिस्क, मतलब यह होता है कि कोई भी कंट्री, अलग अलग कंट्रीज है, उसके स्पेसिफिक कंट्री होती है कि कंट्री के, अगर आप पर्टिकुलर कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉरेन फॉरेक्स में, तो उस केस में हर कंट्री की रिस्क डिफाइन होती है कि भाई, और इसके बारे में हम आगे और डिटेल में देखेंगे, कंट्री वाइज रिस्क को डिफाइन किया हुआ है। पर ये जो कंट्री रिस्क होती है, तीन टाइप की होती है, इकोनॉमिक रिस्क, पॉलिटिकल रिस्क और सॉवरन रिस्क। इकोनॉमिक रिस्क मतलब एक ऐसी कंट्री में आपने फॉरेक्स डील कर रहे हो जो कि वहां पर उस कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी नहीं है, तो वहां की जो पार्टीज होगी जिनके साथ भी आपने डील किया है, वो उसको पेमेंट करने में फेल हो जाएगी। दूसरा है पॉलिटिकल रिस्क, आप ऐसी कंट्री में डील कर रहे हो जहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, वहां पर पार्टियां बदलती रहती है। मान लो कल के एक पार्टी ने आपने ऑर्डर दिया आपने, और अगली पार्टी ने आके ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो वो पॉलिटिकल रिस्क है, उस केस में आपका जो, वो आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किया वो फेल हो सकता है। इसके अलावा एक होती है सॉवरन रिस्क, ये कंट्री रिस्क का काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो फॉरेन कंट्री, कोई भी कंट्री है, उसमें क्या होता है, क्योंकि वहाँ का जो भी सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया में RBI, वैसे वहाँ का सेंट्रल बैंक है, वो सॉवरन, उसमें क्या होगा कि वो ऐसे रूल्स बनाएगा कि आपने जो जो भी फॉरेक्स को वो मैनेज करता है हर कंट्री का सेंट्रल बैंक, तो अगर उसने ऐसा रूल बना दिया कि भाई आपने जो भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं वो नहीं एप्लीकेबल होंगे, क्योंकि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बना दिए, तो उस कंट्री के कारण वो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट वो सारे नलीफाई हो जाएंगे। या दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे आपकी आपने जो भी कंपनीज, जो भी कंट्रीज है, उनमें जो कुछ कंपनीज है, कुछ है, उन्होंने बोल दिया कि हम सरकार की कंपनियां हैं और हम सवरण है, इसलिए हम लोग, हम आपको पे नहीं करना कर पा रहे, और आप उसको कोई सी कोर्ट में भी चैलेंज नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो उनके पास सॉवरन स्टेटस है, सॉवरन स्टेटस मतलब वो सरकार के पार्ट है। तो इस तरीके से भी ये कंट्री रिस्क का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है, सॉवरन रिस्क, ठीक है। दूसरी जो बाकी रिस्क है तीन, ये हमने वैसे क्या है कि सारी रिस्क पहले देख ली थी, इस चैप्टर में हमने थोड़ा थोड़ा इनको और समझा है। इंटरेस्ट रेट रिस्क को गैप रिस्क भी बोला जाता है, गैप रिस्क। इसमें क्या होता है कि जो इंटरेस्ट रेट रिस्क या गैप रिस्क में ये होता है कि जैसे मान लो कि आपने जो आपके असेट्स और लाइबिलिटीज है, जो उन, क्योंकि कोई भी बैंक है तो बहुत सारी चीजों में डील कर रहा होगा, चाहे फॉरेक्स में डील कर रहा है तो कि भाई वो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट भी करेगा, उसको स्पॉट डीलिंग भी करेगा, उसकी कभी स्वेप्स ऑप्शन टाइप की डीलिंग होती है उनमें भी डील करेगा।
तो मार्केट में अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे हो रही है, इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल ऐसा हो रहा है कि उसको ओवरऑल नुकसान पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट अगर इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि भाई उसको नुकसान पड़ रहा है, तो उस केस में इंटरेस्ट रेट रिस्क भी अराइज होती है। इसको हम आगे और देखेंगे और चैप्टर्स में, जब मार्केट रिस्क वगैरह पढ़ेंगे तब और इंटरेस्ट रेट को अच्छे से देखेंगे। ऑपरेशनल रिस्क हमने समझा ही था कि भाई ह्यूमन एरर के कारण आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, उनके कारण ऑपरेशनल रिस्क होती है। लीगल रिस्क वो होती है कि आपने ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कॉन्ट्रैक्ट किया है एनफोर्सिबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एनफोर्सिएबल, मतलब आपने ऐसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है जो कि वो उसके लिए एलिजिबल नहीं थी, वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी है जो सही नहीं है, तो इसको बोलते हैं लीगल रिस्क। ठीक है, ये सारे आपके रिस्क वाला जो कंसेप्ट है वो आपको यहाँ बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब हम इसमें बेस्ड कुछ एग्जाम्पल लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, वो एग्जाम्पल से आपको जो हमने अब तक पढ़ा उसको और अच्छे से क्लियरिटी आएगी, पार्ट 3 में हम बोलेंगे। थैंक यू वेरी मच।